दोस्तों लेट मिसअप क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों हमने एएलपी सीरीज स्टार्ट की है जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। पता है मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक आदमी ने एक आदमी 2500 पुस्तकें 1,50,000 रुपए में खरीदता है, वही ने फुटकर विक्रेता को बेचता है और 200 पुस्तकें नमूने के लिए मुफ्त देता है, नमूने के लिए 200 रुपए मुफ्त देता है और अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता तथा 22 पुस्तकें खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 120 रुपया है। पुस्तक का अंकित मूल्य 120 रुपया है, ठीक है। अब क्योंकि 2500 पुस्तकें हैं, 200 पुस्तकें हैं मुफ्त दे देता है, तो 2500 में से 200 गए, 100 पुस्तकें बची। अब 22 पुस्तक है, 22 पुस्तक में एक पुस्तक मुफ्त देता है, गिफ्ट कर देता है, एक पुस्तक मुफ्त, तब 2200 पुस्तकें बराबर 100 पुस्तक गिफ्ट कर देता है। 2200 में कितनी पुस्तकें? 100 पुस्तकें, 2200, 100, 200, 2500। इसका मतलब कुल पुस्तकें केवल सेल कितनी करता है? सेल करता है 2200 पुस्तकें, क्योंकि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 120 है और इस पर छूट देता है 20% की। तब एसपी सेलिंग प्राइस पर 120 एक पुस्तक का रेट है और इस पर डिस्काउंट देता है 20% का, डिस्काउंट 20 देने के बाद 80 बचे और बटे 100 मल्टीप्लाई पुस्तक कितनी बेचता है 2200, क्योंकि 200 पुस्तकें नमूने के लिए गिफ्ट और 100 पुस्तकें हैं 2200 पुस्तकों के साथ 100 पुस्तकें मुफ्त, मल्टीप्लाई 2200, 20 से 20 12 के 96, 96 मल्टीप्लाई 2200, इस तरह 2022 गुना 96, 12, 9, 2, 18, 19, 192, 2, 1 और 1 और 2, 1, 1 एसपी है, सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1,50,000 1,50,000। अब चूंकि 2,11,200 रुपए की पुस्तकें बेचे और 1,50,000 की, अब प्रॉफिट इज कट टू, प्रॉफिट इज कट टू 0, 0, 2, 1 61,200 रुपए का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड। 16 आदमी और 32 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, जबकि 28 आदमी और 24 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। तो पूछा है कि 3 आदमी और 5 महिलाएं की अक्षमता का अनुपात बताना है, अक्षमता का अनुपात बताना है, क्योंकि 16 आदमी 32 महिला कितने दिन में करती है कार्य को?
मल्टीप्लाई 12 दिन में, उतने ही कार्य को 28 आदमी और 24 महिला, 24 फीमेल, कितने बनाए जाते हैं मल्टीप्लाई 9 दिन में। रन करने पर 3 से काटते हैं, 3 किया 9, 3 चार 12, 4 से वैल्यू को फिर से डिवाइड करते हैं, 4 से 28 और 4 से 24 मल्टीप्लाई करते हैं 16m 32 है बराबर 7 से 21 21m 36 18 18। अब मेन से मेन और फीमेल से फीमेल को घटा सब्ट्रैक्ट करने का, 21 में से 16 गए 5 आदमी, मेन बराबर 32 में से 18 गए 14 गए, जो वैल्यू जिसके सामने से की होती है आदमी की वैल्यू 14 और फीमेल की वैल्यू, क्योंकि हमें क्षमता का रेशियो निकालना है, रेशियो है आदमी कितने हैं यहां पर 14 और फीमेल, पूछा है कि 5 आदमी है, एक आदमी के 14 काम तो 5 के और 5 महिलाएं किए हैं मल्टीप्लाई 3 से 5 14 अनुपात 3 राइट आंसर इज टू ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू 28,000 रुपए, 28,000 रुपए के निवेश के लिए एक व्यापार प्रारंभ किया जाता है, निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया जाता है, 5 ग्राहकों का भी शामिल हो जाता है और उससे अगले 2 महीने के बाद 3 भी शामिल हो जाता है, अंतरिम लाभ का अनुपात 4:3:2 है, तो सी के द्वारा निवेशित राशि, क्योंकि ए ने कितना धन लगाया 28,000, पूछा है ए का और सी का, तो ए और सी का डेटा लेंगे, ए और यहां पर सी, ए ने कितना धन लगाया कितने समय के लिए बटे ये वैल्यू कितने हुए की बटे 4, फिर सी की वैल्यू को देखते हैं, सी की वैल्यू चूंकि 5 महीने बाद बी आया और उसके 2 महीने बाद सी आया, इसका मतलब सी 7 महीने बाद आया, तो सी का बिजनेस कितने दिन रहा 5 महीने, सी का बिजनेस रहा 5 बटे रेशियो कितना है सी का, सी का रेशियो है 2 बटे 2 गुणी 4 और 5 गुणी 10, जब 10 बनेगा तो 0 कैंसिल और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, सी इज इक्वल टू 0 0 12 के 96 12 गुणी 24 24 बनो 600 रुपया, राइट आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 80 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेल गाड़ियां एक समांतर पटरी पर समान दिशा मीन्स एक ही दिशा में चलती है, एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरी भी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है, तब दूरी डिस्टेंस सदैव ही पॉजिटिव होती है, जबकि चार स्पीड एक दिशा में चल रही है तो माइनस होती है, हमें समय निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी कितनी है
क्योंकि दूरी सदैव होती है 80 प्लस 120 बाकी चारों का डिफरेंस हो रहा है तो 25 से 25 से 25 गए 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर में बदलने पर किलोमीटर को मीटर में 5 बाकी सरल करते हैं 200 गुना 18 0 5 20 18 72 राइट आंसर इज इक्वल टू 72 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू एक छात्र को निम्नलिखित 12 संख्या 11, 7, 9, 15, 13, 18, 17, 21, 14 और का अंक गणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने माध्य 12 ज्ञात किया तब एक्स का मान होगा क्योंकि माध्य दिया है तो टोटल कितना है सभी संख्याओं का टोटल 12 है गुणे है क्योंकि संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी संख्याओं का योग 144 है जिनमें से 12 संख्या दी है इनका योग 3 प्लस 11 प्लस 7, 9, 13, 9, 8, 19, 17, 21 और 14 क्वाइट करने पर 11 प्लस ये 12 संख्याओं का योग है ये 12 का योग और ये एक्स को छोड़कर 11 का योग इज इक्वल टू 137। यदि 12 संख्याओं का योग वैसे 11 संख्याओं का योग घटाया जाए इज इक्वल टू राइट आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू एक आदमी ₹50 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और एक तिहाई दूध के बराबर पानी मिला लेता है। यदि वह इसे ₹60 प्रति लीटर के दर से बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि पानी कितना मिला एक तिहाई तो पानी कितना मिलाया वाटर मिलाया कितने में 3 लीटर दूध में इसका मतलब बेचा कितना विक्री कितना भी किया कल किया 4 लीटर दूध खरीदा कितना था 3 लीटर क्योंकि दूध को ₹60 प्रति लीटर की दर से बेचा और खरीदा ₹50 प्रति लीटर की दर से था तब मल्टीप्लाई 100 50 × 200 × 3 × 6 × 20 × 40 × 4 × 16 160% तो उसे कितना अधिक है 60% अधिक है तब उसका प्रॉफिट परसेंट अंकित करता है कि उसका अंकित मूल्य 85% की छूट देने के बाद 19% का लाभ हो यदि वह 15% के बजाय 18% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट मीन न्यू प्रॉफिट निकालना है। न्यू प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है पहले नंबर पे चुकी
15 के बजे 18% की छूट देना चाहता है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 100 है, तब बिक्री कितना होगा अगर 18 की छूट देता है? 82 है। और पहले कितना में बेचा था? 15 की छूट के साथ, बटे है 85 गुणा लाभ। लाभ कितना है? 19%। तो जब लाभ 19% है तो सेल कितना क्या? 119 करते हैं और ये 17.85 और 17.119 काटते हैं 5×12 और 5×20 14 से मल्टीप्लाई करते हैं 14×28 तो बैठे 112 एक के बाद कौन है? मैं 100 से कितना देंगे? 14.8% लगभग 15%। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 15%। राइट आंसर इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू 18,400 रुपया। 18,400 रुपया 6 पुरुष 13 महिला और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पुरुष महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 5:4:3 हो तो प्रत्येक लड़के को कितना धन मिला? क्योंकि लड़के का धन मिला, लड़के को कितना धन मिल रहा है? 3 हिस्से मिल रहे हैं। पुरुष कितने हैं? 6 है और एक उम्मीदवार 5, तो 6×5=30। एक पुरुष को कितना मिला? 30। जबकि 13 महिला 13×4=12 महिलाओं को कितना मिला? 12 ही। जबकि बच्चे बुआ 6×18 करते हैं 0 100 टोटल वैल्यू 100। अब क्योंकि 18,400 रुपये में एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलता है? 3 मिलता है। अब एक बच्चे का हिस्सा एक बॉय बार 3/100 और गुणे 18,400 2×0=2 3 से मल्टीप्लाई करने पर 4×12=24 512 रुपये। ऑप्शन इज गुड टू ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड टू ए अकेला एक काम को 18 दिन में, बी अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 22,500 रुपये में काम लिया और उन्होंने सी की सहायता ली और कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं तो ए को कितना भुगतान प्राप्त हुआ? क्योंकि ए एक ही वैल्यू 18 और बी 24। ए 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का 18×72=24। एक दिन में 4 काम करता है और भी 3 काम करता है। क्योंकि 8 दिन में कार्य हुआ तो 8 दिन का कार्य, 1 8 दिन का कार्य मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तब ए का हिस्सा पूछा है, ए को कितना भुगतान हुआ? ए को भुगतान हुआ 832/1 टोटल से 72 मल्टीप्लाई धन कितना है? टोटल धन है 22,500। सरल करते हैं 832/72 9×18 और 9×5 45 चिचों का
10,000। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एक संख्या चार आठ तीन दो सात ईसा ग्यारह से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा, क्योंकि नंबर ग्यारह से विभाज्य है, नंबर ग्यारह से विभाज्य है। तो ग्यारह का नियम क्या कहता है, एक एक छोड़कर संख्याओं को जोड़ना है। चार प्लस तीन, चार प्लस तीन प्लस आठ प्लस आठ बची हुई संख्या को प्लस दो स्टार को एक्स मान लेते हैं, आठ दो दस, आठ से आठ कैंसिल और दो से दो, नंबर कितना बचा सात और तीन दस और दो, ये वैल्यू कितनी बनी, क्योंकि एक्स की वैल्यू बारह को नहीं होगी ग्यारह से डिवाइड करने पर। जब ग्यारह से डिवाइड करेंगे नंबर कितना आएगा, क्योंकि एक्स इधर बैठा है इधर बैठा है, तो ग्यारह प्लस करने पर नंबर कितना बचा एक बचा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और संख्या ग्यारह से व्यक्त होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 404 रुपए है, हानि कैसे है 19% है, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य अगर 19 की हानि है बेचा कितना 81% 81% या 81% की बचा, अंतर कितना दिया है 19% पर, 19% बराबर 19 से डिवाइड करते हैं 1% बराबर 19 × 38, 19×6=114, 1% बराबर 26, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा है हानि 19 की है, 81% बराबर 81% बराबर 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 26 2601 और 2, राइट आंसर इज टू ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मालिक अपने खीरे मूल्य का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिकांकित करता है और वह 20% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट बताना है, क्योंकि सीपी सीपी कितना लिया, सीपी लिया 100 क्रय मूल्य, तब फिक्स प्राइस फिक्स कितना लिया हमने 140% अधिक अंकित करता, छूट कितने बिकी हुई 20 के लिए है और छूट किस पर मिल गया फिक्स प्राइस पर छूट दिया, इसका मतलब एस पी 140 का 80 और बटे 100 2020